एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है हम आईटी रुड़की के राजेंद्र भवन जो हॉस्टल फ्रेशर्स को मिलती है और हॉस्टल टूर में आपका वेलकम है। आज हम दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज होती है, क्या क्या चीज़ें लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, रूम कैसा होता है, हॉस्टल कैसा होता है। लेट्स टेक यू इनसाइड। यहाँ पे हमारे साथ दो बच्चे हैं। हेलो बोलो। हेलो आपको दो लोग हेलो करते हुए गए। ऐसे प्यारे लोग हैं, आप भी हो सकते हैं इनमें से एक। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, फिर लेके चलते हैं अंदर। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ जानने मिलेगा। हॉस्टल टूर क्या होता है आपको पता है, तो अभी आई टी रोड की आपको देते हैं। चलिए यार, यहाँ से एंट्रेंस लेते हो आप, यहाँ पे हो गई सिक्योरिटी डेस्क आपकी। आते साथ थोड़े एनर्जेटिक हो जाओ, थक के आ रहे हो, क्लासेस से भाग के आ रहे हो, डिहाइड्रेटेड हो, यहाँ पे जूस सेंटर पे जूस पियो। अब ये आगे चलते हैं, यहाँ से ब्लॉक बटी हुई है और बी ब्लॉक हमारा। अच्छा, ये तुम्हारा ब्लॉक है? हाँ, बी ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है इस साइड। अच्छा, कितने ब्लॉक्स हैं? चार ब्लॉक हैं। सी आगे की तरफ और डी इसके पीछे। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी इन टाइमिंग आउट टाइमिंग है कुछ? अब नहीं है। स्टार्टिंग में जब आते हैं फ्रेशर्स तब ज़्यादा सारा एक महीना, 15 दिन नहीं तो एक महीना रहता है कि रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई अंदर आ सकता। लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपना नॉर्मलाइज होने के बाद सब हट जाता है, तो आप रात में कैंपस घूम सकते हो। अच्छा, तो फिर ये नीचे में क्या क्या है? यहाँ पे वार्डन्स रूम, तुम्हारे ये गेम्स रूम, स्पोर्ट्स रूम, ऐसा कुछ म्यूजिक रूम हमारे पे नहीं, मतलब इस हॉस्टल में कम है, बाकी हॉस्टल्स में है। यहाँ पे लोग साइकिल पार्क कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये हो गया आपकी पार्किंग। आते साथ नए नए साइकिल दिख रहे हैं क्योंकि फ्रेशर्स यहीं पे आते तो यहीं पे साइकिल लगाओगे आप। और हम अभी 3 हफ्ते पहले ही आए हैं। हाँ, तो साइकिल चोरी हो रही है अभी तक? नहीं, अभी तक अभी तक नहीं, थोड़े दिन बाद होगी। ये पेंट यार देखो, बताता है कि इनकी जो पेंटिंग आर्किटेक्चर स्टाइल है ये बहुत पुराने कॉलेजेस हैं और इसलिए ऐसा मेंटेन कर रखे हैं वो लेगेसी को। तो नीचे ऐसा और हैपनिंग माहौल नहीं है जैसे कॉमन रूम या फिर यहाँ पे? जाया नहीं है, ज्यादा नहीं है। कैंटीन में अपना बैठो, चिल करो। अच्छा, और मेस? हाँ, मेस आगे की तरफ है। अच्छा, तो कैंटीन की तरफ से उस साइड से निकल जाएंगे। चलो ठीक है। तो ये हो गया, ये कौन सा ब्लॉक है? ये बी ब्लॉक है। आते साथ ये पता नहीं क्या है यार, इनके रूम्स के बैक डोर जहाँ पीछे बंदी रहे लोग। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर लगी है यहाँ से, पानी भर किसी से पीते होगे फिर? हाँ, ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफायर लगी है। ये होगी वॉशरूम, वॉशरूम दिखा सकते क्या? दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी आई जी रुड़की हॉस्टल की वॉशरूम। यहाँ से मस्त सुबह सुबह ब्रश करो, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल गाना गाओ, 3 डेट्स वाली इधर शार लो, काफ़ी सही है। आई थिंक ये तो ये भी पुराने ही होंगे, इसको रिनोवेट किया होगा थोड़ा सा, है ना? थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं। बाकी हॉस्टल वही स्क्वायर में है। ये बीच में क्या है? ये कैंटीन है नीचे। अच्छा, ऊपर जिमनेजियम और साइबर कैफे। अच्छा, ऊपर जिमनेजियम बोले तो जिम? हाँ, जिम है। सही वो टाइमिंग है 6 to 10। हाँ, ये अच्छा। वाली वो इसकी भवन की जिम है, मेन जिम तो काफ़ी बड़ी है। हाँ, ये हॉस्टल में भी जिम होती है, हमारे कॉलेज में भी थी। ये हो गया पार्किंग, ऐसे लॉन वो पीछे दिख रहा है, वो है एकदम मॉडर्न हॉस्टल। उन पे बाद में जाएंगे, उससे बाद में जाएंगे, वो व्लॉग में दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ही आप आओगे ना, जब ये वीडियो देख के कोई पहुँचता है कैंपस में तो यहीं पे आता है, इसलिए मैं इस वीडियो का टूर दे रहा हूँ आपको इस हॉस्टल का। ये डे कैंटीन है, दिन के 2 से रात के 2 चलती है। दिन के 2 से रात के 2? अच्छा, अगर सुबह दिन के 2 से पहले खाना है तो? हाँ, तो फिर वही टपरी दूसरी खुलती है। अच्छा, जो बगल में है, तो सब कोऑर्डिनेशन में और काइंड ऑफ हर टाइम आपको मिल जाएगा खाना। यही वो कैंटीन, यहाँ पे आप मस्त खाओ, है ना? अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बोलेंगे क्या हो रहा है इधर, ठीक है? है ना, खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे अपना मस्त वॉलीबॉल खेलो, मैं भी खेलता था कैंपस में। और ये देख रही आर्किटेक्चर काफ़ी सही सही है। तो ये हो गई आपकी लॉबी। तो यहाँ पे ऊपर साइबर कैफे बोले तो वो 4-5 कंप्यूटर्स वहाँ पे है कि जिसको कभी किसी का लैपटॉप नहीं है या कुछ हो तो आके यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फंक्शनिंग है? फंक्शनिंग है। चलो यार, तो इधर जाओ, मेहनत करो। देखो कैंटीन में हम लोग जाते हैं, हम लोग है ना, बॉडी वॉडी तो कुछ नहीं, लेकिन जिसको मोटिवेशन है वो ऊपर जाता है ना, ठीक है? हमें नहीं जाना भाई, हम तो ऐसे ठीक है ना, हम तो क्या बॉडी वॉडी बनाएंगे, हम ऐसे एकदम। तो यहाँ पे अपना गेम्स ही जो भी खेलना खेलो, सीलिंग पेड़ लगता है और ये पेड़ तो बहुत भाई एस्थेटिक है, इसको एस्थेटिक बोलेंगे, है ना? ऐसे मस्त कैंपस है या भाई, एकदम पिकनिक टूर हो जाता है भाई कैंपस में आने के बाद, है ना? सब कुछ एकदम प्यारा सा, सुंदर सा। तो तुम
अच्छा दूसरे ब्लॉक चालू हो गए ना यहाँ पे, तो बाइक वाइक तो अलाउड नहीं है। नहीं फिर ऊपर दिखा दे तुम्हें रूम तो एज यहाँ पे वो यार स्पोर्ट्स रूम तो होनी चाहिए, तो तुम लोग अगर हॉस्टल वाली स्पोर्ट्स रूम की वाइब चाहिए तो क्योंकि तुम्हें क्या मेन जाना पड़ता है यहाँ पे लोग ने लाए हुए अपने अपने वॉलीबॉल खाना खाओ भाई, इसमें भी दिमाग लगाना क्या ज्यादा। अभी यहाँ पे क्या रखते हैं भाई, ये जो शेल्फ लगी है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे वो ये देखो मैस दिख गया ना भाई, खुश रहो इतना में दोबारा नहीं आ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चेस बायोमेट्रिक सिस्टम, रात के टाइम हमें बायोमेट्रिक करना कंपलसरी है। अच्छा तो क्या फिंगर लगाओ और तुम दिख जाए ऐसे ऐसे बोले तब जाओ। हाँ यार बाकी लोग अपना या तो टोकन लेके खाओ, जो गेस्ट हाउस या कुछ विजिटर्स आते हैं। मैं एक्चुअली इसमें मैं कैसे खाऊंगा यार, फ्री में इतना बोल दे रहा है। फ्री में आप दिन में खा सकते हो, दिन में चलेगा, दिन में ब्रेकफास्ट चलेगा, रात में कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहे हैं, पैसे दे देंगे। तो भाई यहाँ पे अपने अपने ब्लॉक से, तो ये सी ब्लॉक वाले तो खुश होते हैं भाई, और डी ब्लॉक उस साइड है, चलिए अब डी ब्लॉक देखते हैं। चलो देखते हैं यार, जिनका सी ब्लॉक है वो तो एकदम निकलते साथ मैस में आ जाते होंगे, ये तो फायदा है ना। यहाँ से आए मैस आए निकले वहाँ, वही ना यार, तो सी ब्लॉक तो काफ़ी सही हो गया। ये तो सी ब्लॉक का है ना। अच्छा ये तो पूरा खुश है भाई। तुम मृदुल के बैच में थे जो AR1 है, कैसा बंदा था वो पहले? बढ़िया बंदा था, पढ़ने वाला ही था हर बार। अच्छा काफी सही, हमेशा से पढ़ने वाले थे। मेरा वो 2 वाला सीन ये हो गया था, फिटजी वाला पहले कहता था कितना बैंक अकाउंट खाली करोगे, मतलब उसने सारे ओलंपियाड्स कर रखे थे, फिटजी होता है रिवॉर्ड देता है। हाँ तभी 2 लाख कभी 4 लाख करके उसने बैंक अकाउंट पहले ही खाली कर रखा था। तो यार ये फायदा होता है IT के बारे में, ये बात इसलिए बताया हॉस्टल टूर के साथ साथ, मैं कुछ बताना चाहता था कि तुम्हारे जो नेटवर्क होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते थे। देखो इनके सर्कल AR2 है, AR1 है, फिर ये भी IT में पहुँच चुके हैं, तो सब लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं, कनेक्शन रहती है तो बाद में भी आगे जाके हेल्प होती है उसकी, और सब अच्छा करते हैं साथ मिल के। तो अपने सराउंडिंग्स अच्छे बनाइए ताकि आपको हेल्प मिले यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो तुम ऐसे कोऑर्डिनेट करते थे, बात करते थे, पढ़ाई में हेल्प होती थी, वो बैच में थे तो साथ में अपना होता ही था, डिसीजन साथ में ही होते था ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेकिंग कनेक्शंस एंड हेल्पिंग ईच अदर। सब ये सबसे नया डीप लो, ये सबसे पहले गंगा भवन का पार्ट था, लेकिन वही स्टूडेंट्स बनने की वजह से गंगा भवन से ही राजेंद्र भवन में आ गया। तभी आपको इसका कलर अलग लग रहा है, तीनों ब्लॉक सेम है इसका, उसके ऐसा ये डी ब्लॉक में आता है पूरा। हाँ ये अच्छा। गंगा भवन का पार्ट था पहले, जो सामने गंगा भवन है वो PhD वाला है। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर है यार, मतलब तो हॉस्टल्स कुछ ज़्यादा ही सुंदर बना दे भाई, हॉस्टल एकदम सेम है ना, देखने में पेंटिंग वेंटिंग काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप खेलो यार, है ना, ये हो गई डी ब्लॉक, हो गई लॉबी वाली ज़िंदगी। कपड़े सूख रहे हैं बंदे से बैठे पड़े, है ना, अभी हम आपको रूम दिखाते हैं कैसा अंदर से। तो ये हो गई, अच्छा कोई है ही नहीं यहाँ पे क्या? ट्रिपल शेयरिंग रूम, अच्छा अभी क्लासेस चल रही है तो ये अच्छी बात है यार, हमारी टाइमिंग सही है। अच्छा यार मतलब नॉट दैट बैड यार, मतलब रूम काफ़ी हाँ ऑर्गेनाइज है। तीनों भाई तुम्हें तीनों वर्किंग टेबल मिले यार, बॉम्बे में एक टेबल है, ये बहुत ही अच्छे हैं भाई, ये तो बहुत ही अच्छी टेबल मिल गई यार। और तुम्हें यहाँ पे कपड़े रखने के लिए लॉक वॉक, अच्छा तीनों को लॉकर भी मिला है भाई। ठीक, डिटेल रूम टूर पे वीडियो बनाते हैं, अब ये हॉस्टल टूर है तो डिटेल रूम टूर में आपको दिख जाएगी कैसे एलोकेशन होता है, कैसे रूम मिलता है, कैसे होते हैं रूम, तो नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अभी ये हॉस्टल घुमाते हैं। और अभी हम आ गए हैं ए ब्लॉक में, और यहाँ के दरवाजे, यहाँ के रूम ये पुराने टाइप के लग रहे हैं, ये पुराने टाइप के हैं भाई, कुंडे नीचे है ना। डी ब्लॉक अलग ही एकदम मॉडर्न है ना, लैम्बोर्गिनी, और ये विंटेज कार, बट विंटेज कार ज़्यादा पसंद है मुझे, है ना। चलो यार देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए ब्लॉक से आए, इधर आगे बैडमिंटन कोर्ट और हम आगे मेन गेट के साइड, लेकिन हम आपको हॉस्टल रूम टूर एक अच्छे से दे देते हैं दूसरे ब्लॉक का, क्योंकि डी ब्लॉक कॉमनली सबको नहीं मिलती, 1/4 को मिलती है और वो नई है, तो हो सके आपको वो रूम नहीं मिले, बोले भैया आप तो वीडियो में दिखा दिए बट वो मिला ही नहीं, तो इन बंदों के रूम तो दूसरे जगह है। तो तुम्हें ऐसे बुरा फील होता है क्या कि तुम्हें डी ब्लॉक नहीं मिला? बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर हमारे रूम पर है। अच्छा तो सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, चलिए देखते हैं इनके रूम कैसे हैं। तो यार हॉस्टल टूर में हम पहुँच गए बी ब्लॉक में, और यहाँ का रूम देख रहे हो, हाँ एकदम विंटेज ओल्ड भाई,
तो डिटेल वीडियो रूम टूर की आपको मिल जाएगी दूसरे पार्ट में, एक आईटी रोड की रूम टूर वीडियो है वो बता दूँगा आपको। वहाँ पे डी ब्लॉग वी ब्लॉग सी ब्लॉग कॉमनली एक्सप्लेन है कि रूम्स कैसे होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या लेके आने होते हैं वो भी बताया गया उस वीडियो में, कितनी इंटरनेट स्पीड होती है, कैसा सोशल सर्कल होता है, वो सब कुछ देख लेना। हॉस्टल टूर में आज के लिए इतना ही, सब लोग आ जाओ यार एक बार, बाय बोल दो, है ना। कुछ क्वेश्चंस रह गए आपके तो कमेंट से पूछें, मेरे कुछ क्वेश्चंस है तुम्हें बताना है। पानी पीने का 24 घंटा मिल जाता है, ठंडा इसका दरवाजे के सामने ही ठंडा पानी मिलता है तो टेंशन नहीं है। वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री है, एक बंदा वहाँ पे रहता है, आप सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक करता है, तो कपड़े खुद से नहीं धुलते धुलवाते हैं। हाँ, नहीं तो धोबी का ऑप्शन है, 250 रुपये पर मंथ, वो रूम पे आके ले जाएगा हफ्ते में 2 बार, तो आयरन करके देगा भाई, इससे बढ़िया और क्या। तो ये सिस्टम हो गया कपड़े धोने का, वॉशिंग मशीन का हो गया, वॉशरूम रनिंग है, वेस्टर्न टॉयलेट है या इंडियन टॉयलेट है? इंडियन से ज़्यादा, कहीं कहीं पे वेस्टर्न है लेकिन में सारे वेस्टर्न। डी है भाई सही ये पता चलेगा आपको। हाँ तो ये आपको आके पता चलेगा, बाकी हमने कैंटीन दिखा दिया, जिम के अंदर जाके क्या ही दिखाओगे, तुम जाओगे नहीं, मैं जाऊँगा नहीं, तो फिर तुम जाओगे तो जाओगे, बुरा मत माना ठीक है। साइबर कैफे भी है, आपके कोर्ट दिख गए कि वॉलीबॉल कोर्ट खेल सकते हो, बैडमिंटन कोर्ट है ना, और बाकी हॉस्टल में क्या होता है तुम आके देखो ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखिए, घर वालों से प्यार कीजिए, चैनल पे और भी सारे वीडियो है, आई टी बॉम्बे, आई टी रुड़की, आई टी बीएचयू, आई टी गुवाहाटी, ट्रैवल ब्लॉग्स, मनाली, शिमला जाके देखो ठीक है, शिमला नहीं है।